तो हे व्हाट्सअप गाइस, मेरा नाम है पंकज और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पंकज वाईटी टिप्स पे। तो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा कि आप अपने यूट्यूब चैनल के लिए एक प्रोफेशनल यूट्यूब चैनल लोगो कैसे बना सकते हो, वो भी बहुत ही आसान तरीके से बताया फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में मैंने। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लो, जिससे मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले करना क्या है कि आपको जो है अपना पिक्सेल ऐप ओपन कर लेना है। ओपन कर लेने के बाद फ्रेंड्स, आपको क्या करना है कि आपको यहाँ से कोई भी एक बैकग्राउंड चूज़ कर लेना है। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर एक बैकग्राउंड चूज़ कर लिया हूँ, जैसे कि मैं यहाँ से एक बैकग्राउंड सिलेक्ट कर रहा हूँ अपना, ये वाला बैकग्राउंड जो है मैं यहाँ सेलेक्ट कर लिया हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको क्या करना है कि इसको थोड़ा खींच के एडजस्ट कर लेना है अच्छे से। तो फ्रेंड्स, इतना कर लेने के बाद फ्रेंड्स, उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको जो है यहाँ पर थर्ड जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा है शेप्स का, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको जो यहाँ से सर्कल वाला शेप सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको जो है यहाँ से ये जो है ये जो आपको दिख रहा है ये वाला, इसको बिल्कुल कम कर देना है और जो यहाँ से स्ट्रोक है इसको ऑन कर देना है। इतना हो जाने के बाद फ्रेंड्स, आपको राइट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद जो ये आपका यहाँ पर जो ये दिख रहा है ये रेडी हो गया आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ से एडजस्ट कर लेना है। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, यहाँ पर अभी इतना अच्छे से दिख नहीं रहा, लेकिन उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा आपको फ्रेंड टेक्सचर का। जैसे आप टेक्सचर पे क्लिक करोगे फ्रेंड्स, आपको यहाँ से कोई भी अपना टेक्सचर लेना है। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ से ये वाला टेक्सचर ले रहा हूँ रेड कलर का, ये वाला जैसे कि आप देख सकते हो, इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपको यहाँ से राइट पर क्लिक कर देना। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो जो यहाँ पर है मेरा टेक्सचर इस पर ऐड हो चुका है, जो मेरा सर्कल है इतना इस पर टेक्सचर ऐड हो चुका है। और फ्रेंड्स, आप इसको जो यहाँ से एडजस्ट भी कर सकते हो, यहाँ से आगे पीछे करके आप जैसे करना चाहते हो कर लीजिएगा। उसके बाद मैंने इतना किया, इतना कर लेता हूँ इसको। उसके बाद यहाँ से राइट पे क्लिक करना है। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको क्या करना है कि आपको थोड़ा और प्रोफेशनल बनाने के लिए आपको जो है कुछ और इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर कुछ और भी आपको बता देता हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको फिर उस पर क्लिक करना है, शेप्स पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ से जो है सर्कल वाला शेप ले लेना है। ले लेने के बाद फ्रेंड्स, आपको क्या करना है कि आपको यहाँ से जो है एक ऑप्शन दिख रहा है कॉपी का, इस पर क्लिक कर देना, तो ये जो इसका कॉपी हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको जो है यहाँ से इरेज का एक ऑप्शन मिल जाएगा, इरेज वाला, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर जो ये सेकंड ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ से सर्कल पे क्लिक कर देना है। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको जो है ये सर्कल है कहाँ कितना इरेज करना है यहाँ से आपको पता चल जाएगा। तो फ्रेंड्स, उसके बाद मैं इतना हिस्सा इसका जो है इरेज कर लेता हूँ। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ इतना हिस्सा। आप यहाँ से इसको छोटा बड़ा करके इरेज कर सकते हो, तो मैं इसको इतना इरेज कर रहा हूँ। उसके बाद आपको जो यहाँ पर ये सर्कल के सेकेंड वाला जो ऑप्शन पे क्लिक करना है, तो इतना जो एरिया है वो इरेज होके आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो जैसे कि यहाँ पर जो सर्कल है इतना इरेज हो चुका है। उसके बाद आपको जो कलर लेना है, आप यहाँ से जो है इसका कलर चूज़ कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ से जो है वाइट कलर चूज़ किया है इसमें, और इसमें मैं चूज़ कर लेता हूँ कोई, मैं यहाँ से इसमें ये वाला कलर ले लेता हूँ, ये वाला। तो फ्रेंड्स, उसके बाद आपको सेम वही करना है जो मैंने पहले किया था, इरेज करना है इसको भी। उसके बाद आपको सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करना है, सर्कल पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ से जो इरेज कर लेना है, तो मैं इरेज कर लेता हूँ इतना हिस्सा इसका। आप अपने हिसाब से फ्रेंड्स, आप इसको इरेज कर सकते हो जैसा आपको करना है। तो मैंने इतना इरेज कर लिया। उसके बाद आपको यहाँ पर कट पे क्लिक करना है, उसके बाद राइट पे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो आपके पास दो जो है यहाँ पर ये कट के आ चुका है। उसके बाद आपको थोड़ा बड़ा करना है इसको, और यहाँ पर जो इसको एडजस्ट करना है फ्रेंड्स, इसको थोड़ा एडजस्ट करना अंदर करके, जैसे आप देख सकते हो वो एडजस्ट कर दिया मैंने। उसके बाद इसको भी उतना अंदर करके एडजस्ट कर लेना है, तो मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो जो है यहाँ पर एडजस्ट कर चुका हूँ मैं। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर जो नेम है आपका, जो भी नेम है आपको यहाँ पर ऐड कर लेना है। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर ले रहा हूँ ये। उसके बाद आपको थोड़ा यहाँ से इसको बड़ा कर लेना पड़ा इसको अच्छे से। उसके बाद आपको थोड़ा यहाँ पर बीच में सेट करना है, थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ इसको मैं। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको जो यहाँ से कलर सिलेक्ट करना है आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर वाइट ही रहने दे रहा हूँ। उसके बाद आपको जाना है फॉन्ट में। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ से फॉन्ट सिलेक्ट कर रहा हूँ ये वाला, जैसे कि आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर फॉन्ट सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको जो थोड़ा इसको एडजस्ट कर लेना है अच्छे से, जैसे यहाँ पर मैं कर रहा हूँ उसी तरह से आपको जो है एडजस्ट कर लेना है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो जो यार मेरा जो
लोगो है काफ़ी प्रोफेशनल दिखने लग गया है। उसके बाद आपको यहाँ पर जो है स्ट्रोक ऑन करना चाहते हो तो यहाँ से स्ट्रोक भी ऑन कर सकते हो अपने हिसाब से। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ से स्ट्रोक ऑन कर दिया, इसको हल्का ही रखिएगा, ज़्यादा स्ट्रोक मत दीजिएगा नहीं तो उतना अच्छा नहीं लगेगा, हल्का सा ही ज़्यादा नहीं। उसके बाद फ्रेंड्स आप देख सकते हो जो मेरा लोगो है काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल दिखने लग गया और काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव भी लग रहा है। तो फ्रेंड्स आप इसी तरह से जो अपना यूट्यूब चैनल के लिए प्रोफेशनल लोगो बना सकते हो। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ यार एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।